अरूप चटर्जी। अच्छा अरूप चटर्जी आपके यहाँ भी जीते? हाँ। तो अरूप चटर्जी बहुत भारी मत से जीत रहे हैं। गरीबों का मसीहा अरूप चटर्जी हैं और वो हमेशा यहाँ से रहेंगे। अरूप चटर्जी को बुलाना है। अरूप चटर्जी को वो बराबर है, किसी को भी ज्यादा भी नहीं करता, किसी को कम भी नहीं करता है। अरूप चटर्जी क्यों ठीक लगते हैं आपको नेता के? वो हर चीज में, हर मुसीबत में साथ देते हैं। झारखंड क्या पूरा देश के लिए ही मोदी ठीक नहीं है? नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश। इस वक्त मैं धनबाद जिले की निरसा सीट में पहुंचा हुआ हूं और यह निरसा की सब्जी मंडी है। राजनीति और सब्जियों का रिश्ता बड़ा गहरा है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है, सब्जियां परिवारों में घटती जा रही हैं। आइए हम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, खरीदारों से, दुकानदारों से, कि किस तरह से महंगाई उनकी जेब पर असर कर रही है और वह राजनीति में कितना मायने रखती है। खाली पब्लिक को खाली मार रहा है, महंगाई बढ़ा के, महंगा बढ़ाए के उसको उठा के फेंकना है झारखंड से और केंद्र से भी फेंकना है। जेएमएम के साथ है। हाँ, क्या आपको बेहतर लगता है सरकार? वो दिया है मैया सम्मान योजना, जो अभी तक कोई नहीं दिया। हर गरीब को 1,000 रुपया जो दिया है वो गरीब के लिए बहुत अच्छा दिया है और प्लस और आगे भी देने वाला। और ये आपका जो लहसुन 40 रुपए का 100 ग्राम हो रहा है, इसके लिए कौन सी? केंद्र सरकार द्वारा होता है ना ये तो। नहीं, ये तो गौतम बुद्ध का ड्रेस है। अच्छा, वाह। ये तो भाजपा का नहीं है, ये तो संत जी का ड्रेस है। भाजपा ने इसको धारण कर लिया? भाजपा तो ये दिखावे के लिए। ये तो गौतम बुद्ध का ड्रेस है ना, गौतम बुद्ध का है, रविदास जी का है, संत रविदास का है। ये भाजपा का, भाजपा कोई। तो आपको क्या लगता है कि मोदी की सरकार, यहाँ डबल इंजन की सरकार, झारखंड के लिए अच्छी नहीं? झारखंड क्या पूरा देश के लिए ही मोदी ठीक नहीं है? 5 करोड़ नौजवान को नौकरी दिया क्या? 2 करोड़ नौजवान को नौकरी दिया क्या? 15 लाख हर खाते में, गरीब के खाते में जाएगा, दिया क्या? नहीं दिया। अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आए क्या? और स्मार्ट सिटी भी तो थी? कुछ नहीं। और स्मार्ट विलेज भी? कुछ नहीं। ये जो गोद लिया आपका, गांव गोद लिया, उस गोद का देखिए, उस गांव का हाल देखिए। तो मतलब मोदी जी नहीं चले? वो पूरा देश के लिए ही खतरनाक है। खाली हिंदू और मुस्लिम, जात और राम और रहीम, यही इस चीज़ का लड़ाई कर रहा बस। तो लोग चपेटे में कैसे आ जा रहे हैं? समर्थक तो बहुत हो रहे हैं। देखिए, धर्म के नाम पर आदमी बच्चा को काट देता है। किसी का दो लड़का है और कोई तांत्रिक आके बोलता है कि एक लड़का आपका जिंदा रहेगा, यदि एक लड़का को काटिएगा तो लड़का काट देगा। वो धर्म के आगे कुछ नहीं है, धर्म में ही देश गया। इसके आगे बहुत खुशहाल था देश, इसके आगे बहुत खुशहाल था। कांग्रेस का सरकार में खुशहाल था, गठबंधन का सरकार में खुशहाल था, डबल इंजन का सरकार चला 5 साल, रघुवर दास जी 5 साल चलाया। बच्चा का टी शर्ट खा दिया, बच्चा का ट्रॉफी खा दिया, बच्चा का जूता खा दिया, स्कूल में मिड डे मील का चावल खा दिया, वाटर ट्रीट प्लांट का हाल देखिए उनका। चौतरफा मतलब नुकसान हुआ, पूरा नुकसान है भाजपा का सरकार में। मोदी जी कह रहे थे कि डबल इंजन की सरकार आएगी तो बड़ा ही विकास करेंगे। कहाँ हो रहा विकास उनका? डबल इंजन का तो सरकार था, हुआ क्या विकास? रघुवर दास जी ने तो एकदम गंजा उड़ा के खत्म कर दिया सब, धुआं उड़ा दिया एकदम, पूरा झारखंड को रसातल में ले गया। झारखंड एक सोने का चिड़िया कहा जाता है, लेकिन 19 साल तक सरकार चलाया भाजपा ने। 17 साल हो चलाया सरकार, चलाया क्या हुआ? झारखंड का हाल बेहाल कर दिया। आज मैया सम्मान योजना में 1,000 रुपया महिला को आ रहा है, ये क्या कम है? दिसंबर से आएगा 2,500 रुपया, ये क्या कम है? कहाँ दिया इसके आगे डबल इंजन का सरकार ने? झारखंड को कुछ दिया? कुछ नहीं दिया। इसलिए इंडिया महागठबंधन का सरकार है और अरूप चटर्जी बहुत भारी मत से जीत रहे हैं। अरूप चटर्जी को बुलाना है। लाना है ना? हाँ, अरूप चटर्जी ठीक रहे? हाँ, वो ठीक रहेंगे। अरूप चटर्जी क्यों पसंद है आपको? गरीब हम जे बार गए ते बार हमको मदद मिला है वहाँ से। बच्चा का तबीयत खराब हुआ, उस घड़ी भी हमको मिला है, पैसा दिए दिखाने के लिए। हमको घर में कुछ नहीं था, गए तखनियों पैसा मिला कि जाइए खाइए पिए बनाइए। और कोई चीज़ का होता है तो जाते तो मदद मिलता ही है, इसीलिए उनको हम लोग लाना चाहते हैं। किनको? अरूप चटर्जी। महंगाई है, इतना सामान का रेट है, पगार भी ज़्यादा कम है।
तो आपके हिसाब से महंगाई के लिए कौन सरकार जिम्मेदार? मेरा हिसाब से सरकार कोई भी अच्छा नहीं है, तो सब एक वोट का टाइम आएगा, बोलेगा कि ये करो वो करो वो करो, उसके बाद कुछ भी नहीं करता इन लोग। तो अभी जो है हेमंत सरकार ठीक है कि मोदी जी को लाना? हेमंत सरकार अच्छा है, हेमंत सरकार वो बराबर है, किसी को भी ज़्यादा भी नहीं करता, किसी को कम भी नहीं करते, बीच बीच में है। अरुण चटर्जी क्यों पसंद है? उसको पसंद है, हम लोग का गांव में सब कुछ काम था, सब कुछ करता है, कोई भी काज में ही रहता है, उसको बुलाते चला जाता, हम लोगों का साथ रहता है, सुबह शाम जब भी जाते हैं सामने मिल जाता है, इसीलिए इस बार निरसावासी उन्हीं को हम लोग मना लिए हैं। वो मतलब मजदूरों गरीबों के अच्छे नेता? एकदम एकदम बहुत अच्छे नेता हैं। क्या यहाँ से है सर? ठीक है 100% वो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो है अपर्णा सेन गुप्ता जी, उनसे हम लोग यही चीज़ शिकायत है कि वो जब भी जाते हैं ना 6 घंटा बैठना पड़ता है कोई एक छोटा सा काम के लिए, इस वजह से हम लोग सब रूठे हुए हैं। ठीक है, और ये है कभी भी जाइए 12 बजे रात को भी जाइए तो खड़ा मिलते हैं एनी टाइम, और ये दुकानदार के लिए एक समय जाइए, गरीबों के लिए मसीहा हैं। क्या इस बार अरूप चटर्जी जीत रहे हैं और क्या? अरूप चटर्जी का माहौल है। हाँ, अरूप चटर्जी क्यों पसंद नौजवानों को? बस ऐसे ही बाकी नेताओं से अच्छे लगते हैं इसीलिए। और आपका क्या विचार है भाई? हमारा भी वही विचार है। क्या और वो चुड़े जीते? इतना धीमा नाम देवा तो वोट कैसे देवा, थोड़ा दम लगा के बोला। चटर्जी को जिताना है। कौन सा गांव है आपका? श्यापापुर कोलियरी। कोलियरी के इलाके? हाँ कोलियरी के। तो हम लोग को कोई भी काम पड़े उसको बुलाते हैं तो वो काम करता है। काम कर विधायक आपके यहाँ आ जाते हैं? हाँ आ जाते हैं। बस तो अरूप चटर्जी जीत जाएंगे? जीत जाएंगे, उसको जिताना है। पूरा गांव दे रहा है? वो पूरा गांव दे रहा है, पूरा रामकनाली आमडंगाल बाड़ेगढ़ा मालिकडी गिलिंगटन पूरा चपापुर पूरा उसी का रामक पूरा है, पूरा माहौल है, पूरा माहौल है। हम लोग का कर्तव्य उनको जिताने के लिए, वो अच्छा काम कर रहा है, उसका अच्छा काम देख रहे हैं, आगे भी वो कैसे करेगा नहीं करेगा वो तो हम लोग नहीं बोल सकते, लेकिन जिताएंगे। फिलहाल अभी जैसे कर रहा है जिताएंगे तो फिर वैसे ही करेगा जैसे हम लोग चाहते हैं, जैसे अब हो रहा है। और जो ये महिलाओं को मिल रहा है मैया सम्मान योजना, वो आपको मिल रहा है? हाँ हमको मिल रहा है। हम लोग गाँव में जितना भी महिलाएं हैं सब लोगों को मिल रहा है। हम किस पार्टी के छोड़िए, तो अगर भाजपा के नहीं, के नहीं है अरूप चटर्जी को, अब जिसका भी है। भाजपा को क्यों नहीं पसंद करते? भाजपा को इसलिए पसंद नहीं करते कि अपर्णा सेन गुप्ता देखिए 5 साल चलाई निरसा क्षेत्र को, आज तक एक बार भी नहीं कहीं पे विकास हुई, ना आई न भेंट की, नहीं कहीं किसी को कोई समर्थन मिला, ना ही कोई काम हुआ है, इसलिए भाजपा का समर्थन नहीं है इस बार। बीजेपी ने यहाँ से अरूप चटर्जी जीतेगा उम्मीद करते हैं, अपना तो कुछ काम कर नहीं रहा है, थोड़ा बहुत 10-20 रुपये 50 रुपये करके जमा कर गया था सारा इंडिया में, वो भी पैसा तो अमित शाह बोला दिलाएंगे, दिलासा दिलाया, और फिर कहाँ दिया पैसा, देवे नहीं किया। आप भी भुक्तभोगी हैं सहारा के? हाँ। कितने साल जमा किए? बहुत साल जमा किए। अच्छा अभी अमित शाह ने बोला है अभी अभी चुनाव में कि दिलवाएंगे, पहले भी तो एक बार बोले। चुनाव के में बोलता है सब, उसके बाद कुछ नहीं करता है। तो पैसा खा कौन गया? पैसा RBI में है, वो ब्लैक मनी बोल के अपना रख लेगा सरकार। हाँ। करेगा क्या पैसा आप लोगों का? और हाँ। कह दिया उसको ब्लैक मनी? ब्लैक मनी कहा नहीं है, कह सकता है, कह सकता है कल दिन। तो अमित शाह दे क्यों नहीं रहे हैं आपको पैसा? दे नहीं रहा हमारा का, किसी आवाम का नहीं दिया पूरे आवाम। हाँ। किस गांव के हो तुम? पाथरकुआं। हाँ पाथरकुआं। तो तुम्हारे गाँव में किस पार्टी का माहौल है? अरूप चटर्जी भी है, बीजेपी का भी है, अब दोनों ही है। तो आपको अरूप चटर्जी क्यों पसंद है? अच्छा लगता है, काम करता है अच्छा। अच्छा हाँ भाई। हाँ आप लोगों को पसंद है? पसंद है। अरे वाह, तो क्या मतलब बात क्या है उनमें, चीज़ क्या है, क्यों पसंद आते हैं? अच्छा लगता है, काम सुनता है, काम करता है सब। हाँ। कुछ भी हेल्प ही करता है समय में। अरूप चटर्जी को? चटर्जी साहब। हाँ क्यों पसंद है अरूप चटर्जी? गठबंधन है हेमंत सोरेन का। हाँ ओनली फॉर हेमंत सोरेन, उन्होंने चाहिए राज में। राज में? हाँ। अरूप चटर्जी ऐसा क्या फैन फॉलोइंग है अरूप चटर्जी की? यार दुख सुख के लिए हम लोग यहाँ पर साथ देता है, और अब क्या बोलते हैं कुछ भी काम बोलते हैं तो सुनता है। और डबल इंजन? डबल इंजन तो बेकार है, वो तो खाली बकवास है, बोलता है खाली। माहौल बहुत गर्म है, ऐसा मौसम भी गर्म है। हाँ। अब क्या वोट किधर जा रहा है यहाँ? अभी इधर देखिए, अभी कहना मुश्किल है, फिर भी मुश्किल है। हाँ अभी जैसा सुनने में आ रहा है अरूप चटर्जी सीन में है। हाँ
अरूप को ही चाहिए। अच्छा अरूप चाहिए। हाँ लेकिन ये बीच बीच में इधर उधर कर रहे हैं। हम लोग का अरूप है बस। लेकिन ये इधर उधर जा सकते हैं? नहीं नहीं जा सकते। ना 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 नहीं नहीं हम लोग अरूप बराबर का अरूप चाहते हैं। साफ साफ नहीं बोल रहे हैं, एकदम साफ साफ ही अरूप है बस बस। चटर्जी क्यों इतने पसंद? बस हम लोग का बाहर का आदमी नौकल है, कोई भी काम पड़ता है उनके पास जाते हैं तो काम तो हो जाता है, बस इस कारण से यार। तो आपका कब से रिश्ता है अरूप चटर्जी? और जब उनके पिताजी से हम लोग वोट दे के आ रहे हैं उनसे समझे। और तो अभी अभी हाल में आया, उनका बाप भी कोई नियम था, कोई भी बुलाता था चल जाता था, जो बड़ा रहा है जो गरीब रहा है किसी घर में जाए चल जाएगा। पिताजी के समय से आप? हम लोग उस टाइम से दे रहे हैं। एक पार्टी लाल झंडा। लाल झंडा। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जन सहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जन सहयोग में शामिल हो और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाभियान में शामिल हो। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।